हेलो गाइस, मैं क्यू जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के पे लेआउट टैब में अरेंज ग्रुप में रोटेट ऑप्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करेंगे, रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे EXCEL, ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे, हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो गया है। ये हमारा पे लेआउट टैब है। इसके अंदर कल हमने आपको ग्रुप के बारे में बताया था अरेंज ग्रुप में, आज हम आपको रोटेट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम कोई पिक्चर ले लेंगे। जैसे फाउंटेन इमेज में जाएंगे और हम कोई इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक किया और देख सकते हैं ये सेकंड को हम सिलेक्ट करेंगे और हम पिक्चर बॉर्डर हमने लगा दिया है। इफेक्ट करना है, पिक्चर इफेक्ट करना है तो इफेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो शेडो लगाना चाहें शेडो भी लगा सकते हैं। हमें केवल पिक्चर बॉर्डर ही रखना है। हम इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, हम पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं रोटेट ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो गया है। ये हमारा रोटेट राइट लेफ्ट, रोटेट राइट 90 डिग्री, तो देख सकते हैं 90 डिग्री हो गया है राइट में। हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, आपको दिखाएंगे। ऑल्ट प्लस पी ए वाई प्लस आर, रोटेट राइट 90 डिग्री शॉर्टकट की हमारी। ऑल्ट प्लस पी ए वाई प्लस आर, तो देख सकते हैं 90 डिग्री हो गया है। अगला है हमारा रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, तो इसको हम पहले इसके लेफ्ट मार्क्स करके दिखाएंगे, इस तरह से शो होगा। हम शॉर्टकट करके दिखाएंगे आपको। ऑल्ट प्लस पी ए वाई प्लस एल, ऑल्ट प्लस पी ए वाई प्लस एल, देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट में 90 डिग्री हो गया है। अगला है हमारा फ्लिप वर्टिकल, देख सकते हैं वर्टिकल इस तरह का शो होगा। पहले हम इसको हॉरिजेंटल करके दिखाएंगे आपको। हम शॉर्टकट करेंगे फ्लिप वर्टिकली, शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट प्लस पी ए वाई प्लस यूवी, यूवी वाली ऑल्ट प्लस पी ए वाई प्लस यूवी, देख सकते हैं वर्टिकल हो गया है हमारा। अगला ऑप्शन हमारा फ्लिप हॉरिजेंटल, देख सकते हैं हमने हॉरिजेंटल पे क्लिक किया तो ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया है। हम शॉर्टकट से करेंगे, पहले हम इसको राइट करके दिखाएंगे। हम हॉरिजेंटल करेंगे ऑल्ट प्लस पी ए वाई प्लस एच, ऑल्ट के साथ पी ए वाई प्लस एच, देख सकते हैं ये हमारा फ्लिप हॉरिजेंटल हो गया है। अगला है हमारा ऑप्शन मोर रोटेट ऑप्शन, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, इसको हम क्लोज करेंगे। हम शॉर्टकट से बताएंगे आपको, ऑल्ट प्लस पी ए वाई प्लस एम, ऑल्ट प्लस पी ए वाई प्लस एम, देख सकते हैं बॉक्स हमारा ऊपर हो गया है डायलॉग बॉक्स। यहां से भी हम हाइट कम करना है तो हाइट कम कर सकते हैं, ब्रेथ हमें कम करना है तो यहां से हम, यहां से पहले हम हाइट करके दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं बढ़ रहा है ऊपर। नीचे करेंगे
घट रहा है, देख सकते हैं। हमें विड्थ चौड़ाई बढ़ानी है या घटानी है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई देख सकते हैं, नीचे घटा सकते हैं। रोटेट, अभी हमारा 90 है, तो यहां से हम अपनी इच्छा अनुसार कितना भी डाल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, देख सकते हैं। 100 हो गया हमारा, इस तरह से होगा। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, अगर हमें कम करना है 98 डिग्री, देख सकते हैं 97 डिग्री। अगर हमें 50 करना है, 50 सो हो गया हमारा। यहां से भी कम कर सकते हैं, देख सकते हैं, जितना हम कम करेंगे उतना ही एंगल ये घूमता जा रहा है, रोटेट हो रहा है। हाइट हमें, ये जो हमारी हाइट लगी है स्केल हाइट, इसको हमें बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। और हमें कम करना है हाइट, तो देख सकते हैं कम हो रहा है, विड्थ हमारी कम हो रही है। लेफ्ट, यहां से भी हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये हमारा साइज छोटा हो रहा है लेफ्ट का। हम टॉप करेंगे, देख सकते हैं टॉप, राइट देख सकते हैं राइट में हो रहा है, बॉटम देख सकते हैं बॉटम भी हो रहा है। अगर हमें रीसेट करना है तो रीसेट भी कर सकते हैं, इसको हम क्लोज करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।